कोचिंग गॉड अ न्यू कोच, कल उसने स्टोरी लगाई थी, लेट्स सी। अच्छा तुम लोग इंस्टा पर देखिए आयोगी गॉड जा रहे हैं, आयोगी इज नॉट गोइंग टू गॉड, कोच नाइट स्टोरी लाओ भाई देखते हैं, इंस्टा बताना विद कोच नाइट। थैंक यू टू ऑल द बीजो एंथुसियास्ट्स हू स्टार्टेड फॉलोइंग मी। अरे बाबा क्यों फॉलो किया वो भी तो बताओ ना, क्यों फॉलो किया वो तो लिख दे दो कोच साहब पूरी। पबजी मोबाइल कोच एट नहीं पता, बट 4x वर्ल्ड चैंपियनशिप ठीक है, फर्स्ट प्लेस पीएमपीएल वर्सेस पीएमपीएल ब्राजील, सेवंथ प्लेस पीएमजीसी फाइनल्स, ठीक है बाबा ये लग तो रहा है आदमी जो कि दिला देगा ट्रॉफी बाबा, ब्राजील के कोच हैं, ब्राजील में तो टीम्स भी बहुत सेक्सी सेक्सी हैं भाई, मुझे लग रहा है ये करा देंगे, ये बाबा करा देंगे वर्ल्ड कोच नाइट। क्या पता भाई लोग लिख रहे हैं, मुझे तो नहीं आइडिया, तुम लोगों ने लिखा, बहुत कम्युनिकेशन गैप होगा, क्या पता भाई कोच और प्लेयर्स के बीच में हो सकता है। भाई इफ गॉड रिलीजेस जॉनी हाउ मेनी टीम्स आर इंटरेस्टेड टू टेक हिम, प्लीज मेंशन द टीम नेम। इसका जवाब ये कि जॉनी, अब ये बताओ कि गॉर्डन ने आज तक जितनी बार रोस्टर्स बदले, कितने कितने प्लेयर जो कि बेंच हुए या जितने प्लेयर जिनको बदला गया, तो अब दो रीजंस होते हैं, एक नंबरी में किसी एक एम्प्लॉय के रेगुलर रहने के दो रीजंस होते हैं। पहला वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, सो यू नीड दैट एम्प्लॉय, उसके बिना काम नहीं चलेगा, राइट और रॉन्ग, ये एक रीजन होता है ना सुनना। दूसरा रीजन होता है कि वो स्टेक होल्डर है या ओनर है या पार्ट है। अब मैं नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत है, शायद जॉनी भी स्टेक होल्डर है, मुझे आइडिया नहीं, जस्ट सेइंग आई बिलीव।